चैनल पर आने वाले सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको एक ऐसे किसान से मिलवाएंगे, कंबाइन के बारे में काफ़ी नॉलेज है इन्हें और इन्होंने काफ़ी लंबे समय से अपने पास कंबाइन रखी हुई है। चलिए आपको मिलवाते हैं एक ऐसे ही किसान से। सर आप पहले सबसे पहले अपना नाम बताइए। कुलदीप सिंह जी। सर आपके पास कितने लंबे समय से कंबाइन रखी हुई है आपने? हाँ जी 1995 से चला रहे हैं जी हम कंबाइन। 1995 से कंबाइन चला रहे हैं। सबसे पहले आपने कौन सी कंबाइन ली थी? शुरू तो जी साडे कोले पहला ट्रैक्टर वाली कंबाइन हुंदी सी। हाँ जी ट्रैक्टर उहदे थल्ले हुंदा सी। हाँ जी हाँ जी। ते कंबाइन साइड ते लगदी सी। ठीक है सर। वो पोडे कंपनी दी कंबाइन सी। हाँ जी हाँ जी। अब आपके पास कौन सी कंबाइन है? उस तो बाद जिवें जिवें असीं तरक्की करी गए असीं सेल्फ प्रोपेल्ड कंबाइनां लैण लग गए। हाँ जी हाँ जी। जिवें हिंद सन स्टार सुरेंद्रा होर कई कंबाइनां रखियां ते हुण अपने कोले विशाल कंबाइनां ने। ठीक है सर। आपके पास दो कंबाइन है, दोनों ही विशाल है क्या? हाँ जी दोनों ही विशाल ने। एक 12 मॉडल है। हाँ जी। और 2018 मॉडल है। ठीक है सर। सर आप हमें यह बताएं कि जो आपने ये कंबाइन ली हैं कि इनका जो मतलब लगभग सभी कंबाइनों का कहाँ से कहाँ तक प्राइस है अगर किसी किसान ने खरीदनी हो? रेट जी इन्हों के वक् वक् ने, जिमें तुम ला लो 18 तो लैके 20-21 तक रेट है। हाँ जी। इस चीज़ के बारे में बताएं कि जो कंबाइन का इंजन है वो कितने हॉर्स पावर का होता है? इंजन जी 105 हॉर्स पावर का होता है। ठीक है सर। हाँ जी। का कटर होता है उसकी लंबाई कितनी होती है? यदि जी चढ़ाई है तकरीबन 14 फुट होती है। ठीक है सर। 14 फुट के कटाई करता। हाँ जी। ਅਤੇ ਫੁੱਟ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਵਧਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਛੋਟਾ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਮਤਲਬ ਇਹ 15 ਫੁੱਟ ਕਵਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਰ ਜੋ ਆਪਕੇ ਪਾਸ ਪਹਿਲੇ ਟਰੈਕਟਰ ਵਾਲੀ ਕੰਬਾਈਨ ਥੀ ਤਾਂ ਉਸਕਾ ਜੋ ਕਟਰ ਥਾ ਵੋ ਵੀ ਇਤਨੇ ਫੁੱਟ ਕਾ ਥਾ ਕਿਆ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ 12 ਫੁੱਟ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਤਾਂ ਸਰ ਜੈਸੇ ਹਮਨੇ ਦੇਖਾ ਫੋਰਨ ਕੀ ਜੋ ਕੰਬਾਈਨ ਹੈ ਕਿ ਉਨਕੇ ਕਟਰ ਤੋਂ ਹਮੇ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਵੋ ਇਤਨੇ 14 ਫੁੱਟ ਕਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਲੰਬਾ ਥਾ ਉਨਕਾ? ਨਹੀਂ ਉਹ 16 ਫੁੱਟ 18 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਕਟਰ। ਉਧਰ ਫਾਰਮ ਜ਼ਿਆਦੇ ਖੁੱਲੇ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਿਵੇਂ ਭੀੜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਗਲੀਆਂ 'ਚੋਂ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਟੱਪਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਧਰ ਉੱਧਰ ਫਾਰਮਾਂ 'ਚ ਹੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਟਰ ਵੱਡੇ ਚੱਲਦੇ। ਤੋ ਜੋ ਕੰਬਾਈਨ ਕੇ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਮੇ ਜਾਂ ਕੰਬਾਈਨ ਮਤਲਬ ਰੱਖਣੇ ਮੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਬੰਦੇ ਸਹੀ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਫੋਰਮੈਨ ਸਹੀ ਮਿਲ ਜੇ। ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਆਪ ਵੀ ਦੇਖਭਾਲ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਗਰੀਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੋਬਿਲ ਸਰਵਿਸ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਜੇ। ਤੋ ਸਰ ਇਹ ਬਤਾਇਆ ਮੈਂ ਜਬ मतलब कंबाइन की जो सर्विस है हमें कितने खेत काटने के बाद सर्विस कर लेनी चाहिए? ये जी एक सीजन ला देंगे तकरीबन 500 एकड़ कट देंगे एक सर्विस नाल। हाँ जी हाँ जी। मोबाइल सर्विस नाल 500 एकड़। तो गेहूं और धान में दोनों में 500 एकड़ के बाद सर्विस करवानी चाहिए या उससे आगे पीछे? नहीं थोड़े बहुत वध घट हो सकते हैं। हाँ जी। जे 600 भी कट लिए तो भी कोई चक्कर नहीं, वैसे आप 1000 एकड़ नहीं कट सकते कहने का मतलब। हाँ जी हाँ जी। 400 कट लिए 500 कट लिए। मतलब मोबिल डालते हो आप? हाँ जी। वो कंबाइन के अंदर लगभग कितने लीटर डलता है? ये लगभग 15 लीटर मोबिल पैदा है। ठीक है सर। हाँ जी। और जो इसका एयर क्लीनर दा पाके थोड़ा जहा वजन 2 लीटर उच पैंदा है। तो सर इसका जो खर्चा वगैरह है सर्विस का वो कितना जाता है? तकरीबन 8000 रुपया आंदा मोबिल सर्विस ते एक बार सर्विस करवाने का। हाँ जी 8000 रुपया लगता है। हाँ जी। तो जो ट्रैक्टर वाली कंबाइन है और जो बड़ी कंबाइन है सेम खर्चा है दोनों का? नहीं ट्रैक्टर वाली से कट होगा उदे च मोबिल ट्रैक्टर च ही पैना। हाँ जी। एदा इंजन थोड़ा बड़ा होने करके जी आप कोई चलती कंबाइन खरीदते हैं। हाँ एक दो सीजन लगी या 5-4 सीजन चली हुई कंबाइन खरीदते हैं तो आप ध्यान रखना चाहिए भी इंजन का बैक प्रैशर ना होल प्रैशर सही हो। हाँ जी। होस पाइपा चेक करनी चाहिए भी इन्हें कितने मिट्टी मुट्टी तो नहीं खिंची तो जे कंडीशन लगे आप इंजन डाउन आते अपन पैसे उस हिसाब न ही लाने चाहिए। कंबाइन है रिपेयर हो जाती है। हाँ जी उसे दे हिसाब नाल चलदी। तो सर आप जैसे मतलब कंबाइन लेके भी आते हैं बेचते भी हैं। हाँ जी। यदि दर्शकों ने किसी भी किसान भाई ने कंबाइन लेनी हो तो कृपया अपना मोबाइल नंबर बताइए। मोबाइल नंबर 90684 84000 है। ठीक है। 90684 84000 84000 8400। ठीक है सर। हाँ जी। और दूसरा बाजरा है इसकी भी कटाई हो जाती है? ठीक है सर। हाँ जी। बाजरे की चना सरसों बाजरा धनिया मेथा ये सारियां फसलें निकल जाती हैं।
तो आप सर यहाँ मतलब यहाँ तो कटाई करते हैं हरियाणा के अंदर, बाहर भी कहीं कटाई के लिए जाते हैं? बाहर असि MP गुजरात महाराष्ट्र इधर जाते हैं, पहला हम थोड़ा जहा कट जाने। तो क्या वहाँ फायदा है या हरियाणा में या पंजाब में कंबाइन चलाने का ज्यादा फायदा है? नहीं उधर भी फायदा जी। अच्छा उधर इस तरह जी अपने इधर सीजन तो पहला उधर कम चल पैंदा, निबड़ जांदा चल के, जिस तरह जनवरी चल पैंदा कम उधर। इधरों जो फसल आँदी है कणक आँदी है उधर खाली होकर आ जाते। तो यदि कोई नया किसान नया मतलब कंबाइन लेना चाहता है तो उसका फायदा है या नुकसान है, उसके बारे में जरूर बताएं किसान भाई। कंबाइन का फायदा भी है जी, जिहड़े कोई खेती नाल रिलेटेड बंदे ने साइड बिजनेस नाल करना चाहते हैं उन्होंने फायदा कि खेती भी हो जाती नाल नाल ते नाल चल कंबाइन का भी कम चल जाता। जे कोई पढ़े लिखे अगे उन्होंने वास्ते तो नहीं, कल कंबाइन के सिर पर नहीं कम चल सकता। लेबर वगैरह का खर्चा काफी है जी। हाँ जी जो एक खेती नाल जड़े रिलेटेड है उन्होंने ही रखने का फायदा। तो एक कंबाइन के साथ कितने बंदे साथ जरूरी है? एक कणक दे सीजन असीं रखदे हां जी 3 बंदे, दो ड्राइवर पायलट फुल, एक हेल्पर जी। ठीक है ते झोने च 2 बंदे साथ रहंदे, एक ड्राइवर एक हेल्पर। सर आप हमें यह भी बताएं कि जो कंबाइन रखते हैं जैसे आप, तो इसका मतलब 6 मंथ का और 1 ईयर का जो प्रॉफिट है वो किसान भाई अगर एक कंबाइन रखता है तो उसका कितना होता है? कंबाइन सीजन सही लग जाए फिर 3 लाख रुपया एक सीजन का बच जाता, साल का मान लो 6 लाख रुपया मतलब इतनी प्रॉफिट है। हाँ जी। तो दोस्तों कुलदीप जी ने हमें काफ़ी अच्छी अच्छी जानकारी दी, जैसे कि इन्होंने बताया कि यदि मेहनत करने वाला किसान है तो उसको कंबाइन में काफ़ी प्रॉफिट भी है। तो दोस्तों कंबाइन लेने से पहले इन बातों का आप ध्यान रखें जो भाई साहब ने हमें जानकारी दी है। तो ज़्यादा जानकारी के लिए आप चैनल को लाइक भी सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद किसान भाइयों।